हेलो डियर व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं ऋषभ राणे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रूलर मरीन प्रोडक्ट्स एलएलपी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो इनिशियल स्टेट पे पॉन्ड्स बनाने के बाद हमें खर्चा आता है इन्वेस्टमेंट के रूप में पॉलिस्टर का, जो हमें पानी रोकने में मदद करता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स के थ्रू। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तालाब में मैंने बिना पॉलिस्टर के पानी रोक रहा हूँ, मेरा पानी नहीं चल रहा। तो मैं आपको कुछ ऑर्गेनिक ऑप्शंस दूंगा जिसके थ्रू आप यूज़ करके आप अपने पॉलिस्टर का खर्चे को बचा सकते हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको काफ़ी कम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको एक लाइव डेमो बता दूं कि पॉन्ड्स में हमने पानी का लेवल 5 फिट तक के मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। ये आप विदाउट पॉलिस्टर भी कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनिक ऑप्शंस के थ्रू। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है तो उसमें आप 3 ट्रॉली गोबर रख लीजिए और क्ले, जो ईंट बनाने वाली सॉइल होती है, क्ले जिसे कहते हैं हम या गल भी कहते हैं, उसको, गोबर को प्लस जो भूसा होता है जो हम चारे के रूप में देते हैं जानवरों को, उसे मिक्स करके आप आपके पॉन्ड में डलवाइए। और जैसे हम धान के खेतों को मचाते हैं ट्रैक्टर्स के थ्रू, उस टाइप से आप थोड़ा 1 फिट तक का पानी भर के उसे मचवा दीजिए। इसके बाद में आप उसमें पानी भरना, स्टॉकिंग करना चालू कीजिए। वाटर स्टॉकिंग के बाद भी अगर आपका पानी नहीं रुक रहा है तो इसमें आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप आपका फिश को स्टॉकिंग करेंगे और उसे फीडिंग करवाएंगे तो विद इन 15 से 20 डेज़, जब वो बीटिंग, आपकी फ़िश की बीट्स जो होती है वो पानी पे नीचे जाकर जमेगी, तो वो आपके पोर्स को ऑलरेडी फील करना चालू कर देगी, जिससे आपका पानी 1 महीने के अंदर अंदर स्टॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा पानी उसमें एरिएशन के हिसाब से चलने दीजिए और वाटर का जो लेवल है उसको वो मेंटेन रखेगा। ऑर्गेनिक सोर्सेज की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ आपसे अलविदा चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही हम आने वाले टाइम में सीरीज लेकर आ रहे हैं पॉन्ड प्रिपरेशन पे, और उसके बाद फीडिंग और स्टॉकिंग कैसे करना है, कितना करना है आपको, तो चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।